नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 24 स्लोट एग्जस्ट कूलर जो कि 1300 या 1400 आरपीएम के समथिंग रहता है, उसका वाइंडिंग डायग्राम, वाइंडिंग डाटा और कनेक्शन। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं खराब करेंगे। तो देखिए, जो इसकी पिच होती है, इसके अंदर टोटल 8 कॉइल डाली जाती है, 4 रनिंग में, 4 स्टार्टिंग में। और पिच होती है 1 से 4, 1 से 6, रनिंग में भी सेम और स्टार्टिंग में भी सेम। पहले रनिंग बना लेते हैं। ये 24 स्लॉट की मोटर है, स्टैम्पिंग साइड 1.5 इंच है। इसका डेटा हम आपको डायग्राम के बाद बताएंगे, टोटल डेटा। तो यहाँ पे 1 से 4 पिच हमको बनाना है, तो कोई भी 2 स्लॉट छोड़ के हम रिवाइंड करेंगे। 1, 1, 2, 3, 4, ये 4 बन गया, 2 बीच में छूट गए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम कॉइल बनाते हैं उसको मोड़ के डालते हैं कूलर में, फराटा में, ठीक है। या आप अलग अलग करके भी बना सकते हो। तो ये यहां से हम शुरू करेंगे, इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ रख के 2 स्लॉट छोड़ के 1 से 4 में कॉइल डाले जाते हैं, एक बार 1 से 4 में। उसके बाद इसके अगला होता है 1 से 6, 1 से 6 जो है उसमें कॉइल जो है वो 2 बार मोड़ी जाती है, इसलिए मैं 2 बार यहाँ पे निशान मार्क बनाए हैं। और ये आउट पॉइंट है, वो लिख दिया मैंने इस पे, ठीक है। 2 स्लॉट छोड़ दिए हैं और 2 लेफ्ट भरे हैं, 2 राइट भरे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए हम इसको घुमा लेते हैं, ऐसे मोटर को हम ऐसे घुमाते हैं ना, उसी तरह से। फिर हमको वही चीज़ें बनानी होती हैं, 1 से 4, 1 से 6 बनाने, 1 से 4, 1 से 6 बनाने होते हैं। तो पहले यहाँ पे 6 है, ठीक है, ये 4 है और ये 2 बीच में स्लॉट छोड़ दिए हैं। और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 1 से 6, ठीक है, 1 से 4, 1 से 6। तो अगली कॉइल जो है इसी तरह से डालते हैं, घुमाओ एक साइड रहना चाहिए, लेफ्ट से राइट की तरफ, एक बार, 6 में 2 बार कॉइल मोड़ कर डाली जाती है और यहाँ पे आउटर पॉइंट निकल जाता है। फिर आगे हम घुमाते हैं, ठीक है। उसके बाद वही फिर 6, ठीक है, और यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे स्कीप होते हैं 2 स्लॉट, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 से 4, 1 से 6। अगली कॉइल भी हम इसी तरह से डालते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में 2 बार, 1 कॉइल मोड़ कर डाली जाती हैं, ये आउट पॉइंट है, ठीक है। और अब उसी तरह से 6, 4, ठीक है, 1, 1, 2 स्कीप हो गए, ठीक है, 2 छोड़ने हैं। ये आउटर पॉइंट आ गया। तो इस तरह से आपका आधा वाइंडिंग कंप्लीट हो जाता है, यानी कि रनिंग कॉइल्स डल जाते हैं, टोटल 4 कॉइल्स डल जाते हैं रनिंग के, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे इसके बाद स्टार्टिंग कॉइल्स। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे एक अलग कलर ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा देखने में समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे ब्लू ले रहा हूँ। तो उसी यहीं से मैंने पहले स्टार्ट किया था ऐसे, इसी तरह ही हम चलेंगे स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में भी सेम पिच है, सेम तरीके से डालना है। तो हम पहले 1 से 4 बनाएंगे, फिर 1 से 6 बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में मोटर को थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ठीक है, और ये वाला जो बीच में आ जाए, ये दो पॉइंट लेफ्ट कॉइल एंड राइट कॉइल का, ठीक है, इस तरह से। अब 1 से 4 और 1 से 6 हमको बनाना होता है। तो देखिए, जो यहाँ पे देखिए, एक रनिंग का लेफ्ट साइड है, लेफ्ट वाला कॉइल का साइड है, और एक का राइट वाला कॉइल है। तो इनमें आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी कॉइल हैं, जो बड़ी बड़ी मोड्स हैं, जिसमें डबल डबल ये जो स्लोट्स हैं, इनके अंदर डबल डबल डाले गए हैं, इनको हमें स्कीप करना है। स्कीप करना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और इससे जिसमें सिंगल डाली गई थी, उस वाली को नोट करना है, उसको एक बनाना है नोट करके, जिसमें सिंगल डाली गई थी, ठीक है। अब राइट साइड वाली में भी आपको नोट करना है कि ये वाली है सिंगल, इसको 4 बनाना है। तो 1 से 4 हो गया है, और इससे अगला जो खाली है वो 1 से 6 हो जाता है फिर। तो यहाँ पे 1 से 4 बन गया, 2 भरे हुए बिल्कुल स्लोट छोड़कर। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 1 से यहाँ पे रनिंग वाली के ऊपर ही डलेगी, ठीक है, 1 से 4 में डल गई। उसके बाद 1 से 6 में 2 बार, और यहाँ पे आउट पॉइंट मिल जाता है स्टार्टिंग का। इस तरह से डालना है, फिर आगे बढ़ना है उसी तरह से, सेम टू सेम। अब जो खाली वाला स्लॉट बचा है आगे, ठीक है, इसको 6 मान लीजिए, ये 6 है, इससे ये वाला 4 है, उसके बाद 2 छोड़ना है, ये वाला छोड़ना है, ये वाला छोड़ना है, इसको आप 1 बनाइए, खाली वाले को भी आप 1 बनाइए। तो ये हो गया 1 से 4, 2 छोड़ के बीच में, 1 से 6। एक से चार में 1 बार, 1 से 6 में 2 बार कॉइल मोड़ कर डाली जाती है, ये आउट पॉइंट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, सेम प्रोसेस रखना है आपको। जहां पर कॉइल डाली गई थी, उससे अगले स्लॉट से नोट करिए, जो खाली उसको 6 बनाइए, उससे अगले वाले को 4 बनाइए, उससे अगले वाले 2 को छोड़ दीजिए, और 2 को छोड़ने के बाद फिर 1 और फिर 1 बनाइए। अब यहाँ से 1 से 4, 2 छूट गए बीच में, 1 से 4 और 1 से 6। तो सबसे पहले 1 से 4 में 1 बार, 1 से 6 में 2 बार, ये आउट पॉइंट आ जाता है। अब अंतिम बच जाती है जो क्वाइल, ठीक है, अंतिम बचती है जो, उसमें भी ऐसे ही 6, 4, ठीक है, स्कीप करना है, स्कीप करना है, और ये 1 और ये खाली बचा हुआ फिर 1 इनर पॉइंट, और यहाँ से 2 छोड़ने हैं, 4 में 1 बार, 6 में 2 बार, और ये आउट पॉइंट बचता है। तो इस तरह से वाइंडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। कॉइल सारे डल गए हैं, टोटल 8 थे, 4 रनिंग के 4 स्टार्टिंग के डल गए हैं। और आपने नोट किया कि हर स्लॉट के अंदर 2-2 मोड्स हैं, हर स्लॉट के अंदर 2-2 मोड आ गए हैं, ठीक है। तो ये वाइंडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब देखिए कनेक्शन का, देखिए पहले रनिंग का बता देते हैं आपको।
पहले रनिंग का बता देते हैं आपको, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं कनेक्शन में थोड़ा सा। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो इसका कोई भी एक तार पकड़ लीजिए, आउटर पकड़ सकते हो, इनर पकड़ सकते हो। इनर पकड़ लीजिए, इस तरफ चलेंगे कनेक्शन में, इस तरफ भी चल सकते हो। तो इनर तार हमने पकड़ा, ठीक है, एक दो तीन, एक से तीन में जोड़ दिया, इनर इनर में जोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरी वाली का आउटर तार पकड़ना है, ये वाला पकड़ लिया, एक दो तीन, ठीक है, अगले आउटर के साथ जोड़ दिया, अगले के आउटर से। अब अगले का आपने इनर पकड़ना है, और एक दो और तीन अगले के इनर से जोड़ देना है, और फिर आपके पास एक पॉइंट बचेगा आउटर, ये वाला एक बचेगा, ये वाला, इनको बाहर निकालना है, ठीक है। ये रनिंग के पॉइंट हो गए दो, ये एक से तीन में कनेक्शन है, इसको एक से तीन कनेक्शन बोलते हैं। अब इसी तरह से स्टार्टिंग के, स्टार्टिंग का भी थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो उसी तरह से स्टार्टिंग का हमने पहला कॉइल जो है वो इंस्टॉल किया था, ये वाला। तो इसका आउटर तार एक छोड़ देते हैं, इनर ही पकड़ते हैं एक, और इनर इनर से जोड़ देंगे, एक दो तीन, ठीक है। अब दूसरे का जो आउटर बचा है वो आउटर से जोड़ देंगे, एक दो तीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनर तार है, एक दो तीन, ठीक है, और यहाँ पे फिर एक आउटर यहाँ पे बच जाता है, और एक आउटर ये बच जाता है। तो दो रनिंग के तार बचते, दो स्टार्टिंग के तार बचते, जो मोटर के टॉप में बाहर निकाले जाते हैं। कैपेसिटर के कनेक्शन भी मैं बताता हूँ डायग्राम। टोटल चार तार मोटर बचे, दो रनिंग बचे, दो स्टार्टिंग बचे। तो ये बताया मैंने वाइंडिंग करने का डायग्राम। अब इसका डेटा आप देख लीजिए और कनेक्शन देख लीजिए, ठीक है। तो मैं पेज यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो इसका डेटा जो है दोस्तों, पहले डेटा में लिख देता हूँ, चौबीस स्लोट, ठीक है, 1300 आरपीएम और 1.5 इंच, उसके बाद दोस्तों जो इसके अंदर फर्मा है, फर्मा देख लीजिए, फर्मा कॉइल साइज, यानी कि फर्मा है रनिंग के अंदर 27 इंच, ठीक है, 27 इंच की कॉइल बनानी है। और जो स्टार्टिंग है उसके अंदर 26.5 इंच, 26.5 इंच की कॉइल बनानी है। उसके बाद दोस्तों आती है बारी गेज की, तो यहाँ पे SWG रनिंग का, सत्ताईस नंबर तार, ठीक है, और स्टार्टिंग के अंदर 29 नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं पिच की, पिच है रनिंग में 1 से 4, ठीक है, में सिंगल, और 1 से 6 में डबल कॉइल डलेगी। अब इसी तरह स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों
स्टार्टिंग है उसमें एक से चार में सिंगल, एक से छः में डबल कॉइल डलेगी। उसके बाद बारी आती है टर्न की, टर्न रनिंग के अंदर टर्न रहेंगे आपके 100 और स्टार्टिंग के अंदर टर्न रहेंगे आपके 110। तो ये है इसका डेटा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और ये 1.5 इंच का डेटा मैंने दिया है, 1.5 इंच से थोड़ा ज्यादा हो तो भी ये डेटा लगा सकते हो, 1.5 इंच से थोड़ा कम हो तो भी ये डेटा लगा सकते हो। और आपको एक काम करना है, अगर 1.5 इंच से अगर कम है तो कॉइल साइज आप कम कर सकते हो, ठीक है। अगर 1.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है कॉइल साइज आप बढ़ा सकते हो 1 इंच का, ठीक है। वो देखना पड़ता है कितना बड़ा है कितना छोटा। तो इसका डेटा हो गया। अब थोड़े कनेक्शन में इसके बता देता हूँ, यहीं पे कनेक्शन सेम है जो होते हैं। टोटल 4 तार निकलते हैं, टोटल 4 तार निकलते हैं इसमें 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के, 1 रनिंग 1 स्टार्टिंग का आपस में लेना है, आपस में भिड़ा देना है, ये आपका एक पॉइंट बन जाता है। उसके बाद दोस्तों एक रनिंग का लेना है, एक स्टार्टिंग का लेना है, ठीक है। वो जो आपने कैपेसिटर जो लगाया उसके 2 तार होते हैं उसमें जोड़ दीजिए। कैपेसिटर जो है यहाँ पे 6 का लगेगा, 6 से 8 का लगा सकते हैं, 6 का लगा दीजिए, 8 का लगा दीजिए, 6 में स्पीड ठीक नहीं मिलती तो, ठीक है। MFD आपके अब 2 पॉइंट हैं, एक तो आपने ये जो कॉमन बनाया था ये सी, ये कॉमन था ये वाला रनिंग स्टार्टिंग का, एक मिला के एक तार वो जो रनिंग का कैपेसिटर से जुड़ा है, ये वाला, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट है, तो इसको आप प्लस मान सकते हो, इसको माइनस मान सकते हो, ये प्लस है और ये माइनस है। तो 2 तार आपको 220 वोल्टेज में देने हैं। अगर चक्कर उल्टे होते हैं तो आपस में तारों को बदल लीजिए, ठीक है, या तो रनिंग के आपस में दोनों को बदल लीजिए, स्टार्टिंग के तारों को आपस में बदल लीजिए। तो ये इसके कनेक्शन हैं, 1 से 3 में कनेक्शन होते हैं, यानी कि एक से तीन में कनेक्शन का मतलब है स्टार्ट को स्टार्ट में और जो खत्म होता है उसको खत्म में, एंड को एंड में, ठीक है। इनर इनर आउटर आउटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो गई है, ठीक है। आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, आज लगभग 20 मिनट की वीडियो हो गई है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले डेटा का, और इसके वाइंडिंग की जो प्रैक्टिकल वीडियो है, प्रैक्टिकल कनेक्शन है, वो मैंने सारा पूरा का पूरा यूट्यूब पर डाल रखा है पार्ट वाइज। तो आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके, वीडियो में जाके, प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो के साथ, काफी लंबी वीडियो थी, वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।